अगर आपके बच्चे सिर्फ इस लेवल पे हैं तो सुसाइडल स्टेट पे हैं और यहीं पे लाके छोड़ा जाता है। Let us start कि one learner is there। अब आप अपने अपने बच्चे पे आके देख लीजिएगा। Learner, every learner has got 4 stages of their life। So 4 stages of learning is there। And the very first stage is what? Unconscious incompetence। Unconscious incompetence is the very first stage of each and every individual learner, whosoever is in the learning process. Learning process means what? Any kind of learning you people are indulged in. Maybe your academics, maybe your science, maybe your technology, maybe your astrology, maybe your philosophies, anything else. You can take it out. Any management, anything. So unconscious incompetence means the child or the learner does not know that they don't know. So your child doesn't know that they don't know. Let me explain। अभी आप अपने बच्चे से पूछो कैसा है प्रिपरेशन, ठीक है, हो जाएंगे, हाँ जाएंगे, कितने स्कोर कर लोगे, समथिंग अराउंड 90-95, कैसे होगा, पढ़ूंगा ना भी सीरियसली। देन आस्क देम, okay, what is the question orientation? ऑब्जेक्टिव पैटर्न आएंगे, कुछ लॉन्ग आंसर आएंगे, कैसे करोगे, एनसीईआरटीज करूंगा, रेफरेंस करूंगा। मीन्स व्हाट, दे डजंट नो द एग्जैक्ट थिंग। उनको पता ही नहीं कि मेरी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, मेरी एक्चुअल प्रिपरेटरी मॉड्यूल का क्या लेवल है। दे आर नॉट अवेयर। सो दिस इज द स्टेज where they are not aware that they are not aware. This is the stage where they doesn't know that they don't know. Then the second stage comes, and that second stage is nothing but it is conscious incompetence. Second stage of learning is what? Conscious incompetence. Now, since you said, I said, examination schedule came, Education Minister revealed offline examination will be conducted. Now they started going through the syllabus. They started going through the curriculum. So this is the stage where now they know that they don't know anything. पहला वाला स्टेज था कि they don't know that they don't know. उनको पता ही नहीं था कि मुझको पता नहीं है। ये स्टेज आ गया जब उनको पता चल गया कि यार मुझको नहीं पता, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हाउ टू परफॉर्म, दे डोंट नो। सो नाउ सेकेंड स्टेज पे आने के बाद क्या होता है, पेरेंट्स भी हड़बड़ाते हैं और स्टूडेंट्स भी हड़बड़ाता है। पापा मेरे दोस्त फल्ला जगह ट्यूशन पढ़ते हैं, हाँ बेटा ठीक है मैं बात करके आता हूं। आप गूगल करते हैं, राइट Google में every good institution never comes. The institution who pays lot of money to Google comes up. And you start trusting Google. This is your experience, right or no? हमने Google किया, बहुत अच्छा reviews है, okay चलो institution में, right or wrong? This is happening, hardcore truth you need to accept with your core of your heart. Now, so conscious इनकम्पिटेंस में आ गया, बच्चे को पता चल गया कि मुझे नहीं पता जी। अब हमने वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कर दिया, हमने टीचर डाल दिए, क्लासेस हो रही हैं, मैं भी लग गया, ऑफिस आते पूछूंगा कितना लर्न किया, नहीं किया, ये दिस दैट सो मेनी टेस्ट, रिजल्ट, रिपोर्ट, एवरीथिंग। सो नाउ ट्रेनिंग पार्ट हैज स्टार्टेड, एंड वंस द ट्रेनिंग पार्ट हैज स्टार्टेड, नाउ द चाइल्ड इज हैज अटेन्ड द थर्ड स्टेज, एंड दैट स्टेज इज व्हाट? कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये कॉन्शियस कंपीटेंस क्या है? तो आपने देखा होगा जब आप नया नया गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, ट्रेनिंग पार्ट आपका हो गया, जब इस लेवल पे आ गए, पहले आपको नहीं पता था कि गाड़ी नहीं चलेगा मेरे से, हाँ क्या है, क्लच है, एक्सीलेटर है, कर लूंगा, हो जाएगा। बट आप जब बैठे तो आपको पता चला नहीं भैया मुझे नहीं आता, तो सेकेंड स्टेज पे आ गए, तब ट्रेनिंग स्टार्ट्स। ट्रेनिंग में आपने क्या किया, आपने बताना स्टार्ट कर दिया, ऐसे होता है वैसे ट्रेनिंग स्टार्टेड। ट्रेनिंग होने के बाद जब आप सीखते हैं और सीख के जब आप चलाने लगते हैं, नया नया जब आप सीखते हैं, व्हाट इज योर टेंडेंसी, प्लीज फोकस ओवर देयर, व्हाट यू नीड टू डू। जब आप इग्निशन डालते हैं, आपको पता होता है मैं इग्निशन डाल रहा हूं, फिर आपको पता होता है मैं गियर लिया, क्लच डाला, एक्सेलेरेटर छोड़ा और एकदम आगे ऐसे बैठते हैं आप। यस और नो? सो यू आर कॉम्पिटेंट टू ड्राइव, बट यू आर conscious also that you are driving, you are conscious that you have put the imagination, you are conscious that okay now I have to put the gear, I have to put the clutch, so you are consciously being competent. So this is the third stage of learning. Sorry to say and sorry to reveal that 99% of the academic populations, 99% of the educator over here in India has only reached at this stage, which is a suicidal stage for any student. अगर आपके बच्चे सिर्फ इस लेवल पे हैं तो सुसाइडल स्टेट पे हैं, और यहीं पे लाके छोड़ा जाता है आपको, यहां पे लाके स्ट्रेटेजिकली छोड़ा जाता है। एक तो पता नहीं है लोगों को इतनी बातें, सॉरी टू से, और अगर पता चल भी जाए तो स्ट्रेटेजिकली लाके छोड़ा जाता है ताकि मशरूम ग्रोथ हो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का। इट्स ऑल स्ट्रेटेजी, और ऑनेस्टी के साथ आपको नहीं बताएगा कोई, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि आपका समय लिया है तो आपको वर्थ दूंगा। सो तब क्या सर, लास्ट स्टेज क्या है? एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। हमें अपने बच्चे को यहां लाना है, और वो क्या है, अगेन योर चाइल्ड शुड कम टू अनकॉन्शियस लेवल, but competence must be there. Now what is the stage? अभी सर लोग, आप लोग ड्राइव करते हो, काफी सालों से ड्राइव कर रहे हो, कब आपने इग्निशन डाला, कब गियर डाला, कब खींच रहे हो, फोन आ गया, हाँ हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ यार, आपको पता ही नहीं होता कि आप गियर डाल रहे हो कि क्लच डाल रहे हो कि आप एक्सीलेटर ले रहे हो कि क्या करना नहीं करना। सो बट यू आर ड्राइविंग इट कॉम्पिटेंटली, और परफेक्शनिस्ट हो चुके हैं साहब, but you are not aware of every actions you people are putting, you are not aware of every effort application that you people are putting, so you enjoy driving, or you never feel, you know, bored of driving, or you never feel exhausted of being driving. आपका बच्चा जब पढ़ने लग जाए और पढ़ते पढ़ते इतना खो जाए उसको पता ना चले कि मैं पढ़ रहा हूं, साहब आप विजेता हो गए। फिर आपको आपके बच्चे की हमारे जैसे मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके बच्चे को YouTube पे मोटिवेशन की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके बच्चे को अटेंशन पे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके बच्चे का फोकस होने की जरूरत। आज के डेट में बताओ काउंसलिंग चलने लगा, पता नहीं क्या कर दिया आप लोगों ने, व्हाई काउंसलिंग? And many of the school has suggested me as well कि आप काउंसलिंग करोगे मैं आपके पास भेज दूं, आपसे बड़े बच्चे तारीफ होके मेरे को बोलते हैं, प्रिंसिपल्स फोन, स्टेट ऑफ स्कूल्स नेम आई कैन गिव, आई विल शो यू द ईमेल, एंड देन आई डिनाइड कंप्लीटली, मैम व्हाई काउंसलिंग? मैंने कहा यस आई कैन गिव द काउंसलिंग, बट आई विल ऑफर द काउंसलिंग टू यू पीपल, आर यू रेडी टू बी काउंसल्ड? चाइल्ड इज ओके, दे आर वेरी क्लोज टू द नेचर, दे आर वेरी क्लोज टू द ऑलमाइटी, प्लीज हम अपना ज्ञान मत थोपिए उन पे। Let them be natural. Let them bloom with natural essence of their life. But what we are doing something else. हम तो खुद बने नहीं, उनको सजेशन दे रहे हैं, do this,